नमस्कार दोस्तों, आप सभी रोहित शर्मा को एक अच्छे कैप्टन अच्छे खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और खेले गए मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के बारे में। ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक दोनों ही टीमों के बीच चला। ऐसे तो दोनों ही टीमों प्लेऑफ से बाहर हो चुके थे, जीते हारे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लखनऊ के जीत से उनको थोड़ी सानी चांस 30% चांस हमारे ख्याल से बनता है। उसके बाद देखिए लखनऊ के हार के बाद टीम से बाहर होकर के रो पड़े हार्दिक पांड्या। फिर देखिए रोहित शर्मा नीता अंबानी के लिए जो कहा, सुन के आप सभी करोगे सलाम। आपको बता दें जो इस मुकाबले में निकलस पूरन और केएल राहुल की जो शानदार पारी थी वो कमाल की थी, लाजवाब थी, शानदार थी। ये इनकी इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट पारी देख के हर कोई इनको सलाम पे सलाम ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ से आपको बता दें हार्दिक पांड्या ने दे दी आखिरकार क्या बयान, क्योंकि फिर से इस मैच में आखिरकार मुंबई को हार का सामना करना पड़ा नमन धीर के इतने ज़्यादा अच्छे बल्लेबाजी के बावजूद भी। और वो तो कह रहे हैं जो कि नीता अंबानी रोहित शर्मा को यानी रोहित भैया को आप कप्तान दोबारा बनाओ और देखिए दूसरे सीजन में आखिरकार क्या होता है। उस सीजन में देखिएगा ट्रॉफी आएगा मुंबई इंडियंस के पास और हमारे पांड्या जी जो काफ़ी ज़्यादा खामोश अब दिखते हैं, क्योंकि जो गलती क्या है वो गलती कभी अब ये खत्म होने वाला है नहीं, बार बार ये ट्रोल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।